देखिए, एक चीज़ होती है महिलाओं के लिए, और ये मैं सभी से जानना चाहूँगी कि एक उम्र के बाद हर कोई कहता है शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो ऐसा घर में किसी ने नहीं कहा कि शादी का वक्त हो रहा है, कहाँ फौज ज्वाइन कर रही हो, फिर शादी कैसे होगी? No, they have never talked about marriage. They let me live my life according to what I want to do. So my mom, she said, you do what you want to do, like do those adventurous things you want, like what you have dreamt for, accomplish those. तो आपके घर में भी मेजर खुशबू, कैप्टन रुचि, किसी ने अभी तक शादी के लिए कुछ कहा नहीं क्या, या फिर पहले भी प्लानिंग करते हुए बेटा शादी वादी करनी होगी फिर क्या करोगी? No, no, they have never forced me. I'm married and a mother of a daughter. She's married and a mother of daughter. Despite that, वो देश की सेवा कर रही है। तो ये ऑप्शन है, ये नहीं सोचना चाहिए कि शादी के बाद आप अपने देश की सेवा नहीं कर सकते। और कहानी देखिए कब पलट जाती है पता नहीं लगता, सीरियल की कहानियाँ भी पलटती हैं। तो देखिए इश्कबाज में इनकी भी शादी करने की चिंता हो रही है दादी जी को। किसकी? शिवांश की। क्या है शिवांश सिंह ओबेरॉय की कुंडली का राज? आखिर क्यों शिवांश ने अपने घर वालों से अपनी कुंडली छुपा कर रखी थी? अब जरूर कुंडली में कोई ऐसी बात होगी जिसे शिवांश छुपा रहे हैं। अब जो बात वो छुपा रहा है उस बात का पता तो पंडित जी को भी नहीं चला। किसी बात का पता चला तो वो है शिवांश की शादी। शिवांश की होने वाली दुल्हन कैसी होगी, इनकी शादीशुदा जिंदगी कितनी सफल होगी, इन सब की भविष्यवाणी इन पंडित जी ने कर दी। शिवांश की होने वाली अर्धांगिनी बहुत ही खास होंगी और इन दोनों की जोड़ी लाखों करोड़ों में एक जोड़ी होगी। भैया की लाइफ में हर चीज परफेक्ट होती है, वो भी एकदम परफेक्ट होगी। So you mean to say जैसे भैया कोई गलती नहीं करते वो भी कोई गलती नहीं करती होगी? अब दादी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे क्योंकि दादी भी तो यही चाहती है कि शिवांश जल्द से जल्द सेटल हो जाए और उसे एक प्यारी सी लड़की मिले। आपकी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होने वाली है क्योंकि आपके नाती की जिंदगी में एक पंजाबी कुड़ी आएगी, वो भी बहुत जल्द। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।